हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज एक नए सराउंडिंग के साथ, नए बैकग्राउंड के साथ हम क्लिक कर रहे हैं वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। तो पढ़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप घर पे पढ़ो, या आप कहीं सेंटर पे, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, या कॉलेज में, स्कूल में विजिट करो। तो ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो ऑनलाइन लर्निंग की जहाँ तक बात है, तो आप घर बैठे पढ़ते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग में कंटेंट काफ़ी अवेलेबल होता है। आजकल देखोगे आप गूगल पे, ऑनलाइन इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, कंटेंट इतना है कि बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ़ यू आर हैविंग अ डिज़ायर ऑफ लर्निंग, सो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट मीडियम। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। वहीं ऑफलाइन लर्निंग के लिए आपको जाना पड़ता है क्लासरूम में, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, टीचर के साथ ग्रुप में पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन में आपके पास चॉइस होती है इंडिविजुअल लर्निंग और ग्रुप लर्निंग, दोनों ही तरह से आप लर्निंग कर सकते हो। बैच में पढ़ सकते हो या आप अकेले पढ़ सकते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने टीचर से, अपने इंस्टीट्यूट में आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी। वहीं ऑनलाइन लर्निंग में एक बेनिफिट ये होता है, अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाए या कोई चीज़ नहीं समझ आए डाउट के लिए, दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। बट अगर आप ऑफलाइन में हो तो आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा, डाउट क्लासेस के लिए टाइम लेना पड़ेगा, कंडक्ट होंगी दोबारा, उसके बाद अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में जहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहाँ पे आप कई बार डाउट हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पाते, आपको प्रॉब्लम होती है कि कहीं दूसरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड ना करें या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी वीकनेस सबको पता चल जाएगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑफलाइन में। वहीं ऑनलाइन में ऐसी कोई बात नहीं है, आप टीचर को चैट में, पर्सनल चैट में लिख के अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, तो टीचर को और आपके बीच ये बात रहेगी, थर्ड पर्सन को ये बात नहीं पता चलेगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी प्रो और कॉन्ट्रा होते हैं। वहीं ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस पसंद है, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको ऑफलाइन क्लासेस पसंद है और जो अभी वेट कर रहे हैं सेंटर्स खुलने का, अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने का वेट कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, फ्रेंड्स के साथ मिल सके, थोड़ा बातचीत कर सके, चैट कर सके। तो उस माहौल में पढ़ना एक अलग ही एटमोसफेयर होता है और एक अलग ही फील आता है। वहीं ऑनलाइन में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होती है, कहीं जाना नहीं है आपको, घर पे बस लैपटॉप और इंटरनेट के साथ आप कहीं भी किसी भी टाइम शुरू हो सकते हो। टाइम नहीं है आपके पास, कहीं जा रहे हो, शेड्यूल बिजी है, क्लास कैसे करोगे, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कैरी योर मोबाइल और लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन एंड यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम। ऑफलाइन में आपको क्लासेस मिस करनी पड़ सकती है, सपोज आपके पास टाइम नहीं है, कोई अर्जेंट मीटिंग है, कोई इमरजेंसी है, तो आप क्लास मिस करोगे और उस क्लास को कंपनसेट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या तो किसी दूसरे बैच में आप क्लास एडजस्ट होगी, या आपको दोबारा टीचर से टाइमिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्रो और कॉन्ट्रा दोनों ही तरफ से आते हैं, दोनों ही तरफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी डिसाइड आपको करना है कि आप ऑनलाइन पढ़ोगे या ऑफलाइन पढ़ोगे। आजकल के एटमोसफेयर में डिजिटल लर्निंग काफ़ी पॉपुलर हो गई है, किसी भी ऐप से, यूट्यूब से ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है किसी भी टॉपिक पे, जस्ट आपको क्लिक करना है और आप लर्निंग कर सकते हो। वहीं ऑनलाइन लर्निंग में एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होता है जिनमें एक डिज़ायर होता है पढ़ने का, जिनमें अर्दर से पर्सनल पैशन होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, कोई बोल रहा है तो ही आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग कामयाब नहीं है। उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेशर में पढ़ते हो। अगर आपके अंदर खुद से डिज़ायर है, खुद से अंदर आपका मन है पढ़ने का, सेल्फ मोटिवेटेड हो, देन ऑनलाइन लर्निंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू लाइक द वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।